उमर फाइनली विदाई लेता है, सबको अलविदा कह जाता है। आमिर और कुंवर बहुत सैड है उसके जाने से। इधर बिनीश को उसका वही सीनियर जो उसे तंग करता है, मिस्टर तफविक, वो उसे वो काम देता है जो उसका है ही नहीं। उसे ताने मारते हैं कि डोगन को नाम से बुलाती हो तुम। विनीश उसे जवाब देती है कि मैं जानती हूँ आपकी तकलीफ क्या है, पर मुझे तंग करने की जरूरत मत कीजिए। दोनों में कहा सुनी होती है जो डोगन बाहर से सुन लेता है। पूछने पर ये दोनों ही कहते हैं कि कुछ खास नहीं। फिर भी डोगन बिनीश को अपने केबिन में ले जाता है और पूछता है क्या हुआ। बहुत इसरार करने पर बिनीश बताती है कि मिस्टर तफविक सोचते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है, इसी वजह से मुझे ये नौकरी मिली, इसलिए वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देते, फालतू के काम देते हैं और सवाल करने पर उल्टा सीधा कहते हैं। ये सुन के डोगन को इतना गुस्सा आता है कि वो जतिन से कह के तफविक को नौकरी से निकाल देता है। बिनीश को ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल बताना नहीं चाह रही थी इसी वजह से, पर डोगन कहता है मेरे अंडर किसी एम्प्लॉय को कोई हैरस नहीं करेगा। बिनीश बाहर जाते हुए ब्लश करती है। इधर यिल्दिज़ कोमल के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, उससे सारा काम करवा रही है, कहती है उठो मेरे लिए खाना बनाओ, किचन में ज़बरदस्ती ले जाती है। ये गरीब खाना है या सब खुद से करना पड़ता है, चलो प्याज काटो। कोमल कहती है मैंने कभी नहीं किया ये। यिल्दिज़ फोर्स करती है तो कोमल ग्लव्स पहन के प्याज के सारे लेयर्स को हटाकर बस बीच का हिस्सा निकाल कर रख देती है, यही एक्सपेक्ट कर सकते थे। कहती है सारे निकल रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ रुकूँ, आए हाय। यिल्दिज़ उससे अम्मी की तरह डांटती है और फिर खुद ही पता नहीं कोई खाना बना लेती है। खाने लायक लग तो नहीं रहा। यिल्दिज़ कहती है तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में पूछते भी नहीं, तुम्हारा अना काम नहीं आया, घर वापस चलो। वो कहती है नहीं, उनको एहसास होगा तो वो खुद आएंगे मुझे लेने। यिल्दिज़ कहती है इसलिए सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करके सड़क पे छोड़ दिया तुम्हें, है ना? अब जब पैसे नहीं है तो तुम्हें खुद ही काम करके पैसे बनाने होंगे, रुको नौकरी ढूंढ कर देती हूँ। यिल्दिज़ आमिर को कॉल लगा कर पूछती है कि मेरी एक दोस्त है जो नौकरी करना चाहती है, रेस्टोरेंट में कोई पोजीशन है? आमिर कहता है हाँ वेट्रेस का है। यिल्दिज़ कहती है ठीक है, कल वो चली जाएगी वहाँ। कोमल कहती है सीरियसली वेट्रेस? वो कहती है हाँ। कोमल कहती है वहाँ उमर भी होगा। यिल्दिज़ कहती है उमर तो अरब का शेख बन गया है, उसको छोड़ो, अभी आकिफ नाम का आदमी वहाँ का मालिक है, जाओ उससे फ्लर्ट करो, बहुत दिनों से किसी को फंसाया नहीं तुमने। जतिन डोगन को बताता है कि यिल्दिज़ कोमल के साथ एसगी के वहाँ ठहरी है, बुरसा जाने के बारे में उसने झूठ कहा है। डोगन पूछते हैं क्या दोनों एक साथ है, लेकिन क्यों, वो क्यों ऐसा कर रही है? डोगन कहता है कि वो कोमल को वापस लाना चाहती है आपको खुश करने के लिए। डोगन मन ही मन मुस्कुराता है। रेस्टोरेंट में आकिफ इन दोनों के पास आता है तो उसके हाथों में दोनों चोट देख पाते हैं, एज इफ किसी को घुसा मारा हो उसने। वो लोग उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कुत्ते पीछे पड़ गए थे तो हाथापाई में हाथ में चोट लग गई। वो लोग और कुछ नहीं कहते। आकिफ निकल जाते हैं तो आमिर फिर से शक करता है और कुंवर भी इग्नोर नहीं कर पाता। दोनों पीछा करते हैं आकिफ का एक टैक्सी से। आकिफ एक जंगल में पहुंचता है जहां ढेर सारे कुत्ते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आकिफ कोई लाश दफनाने आया है, पर बाद में पता चलता है कि कुत्तों को खाना खिलाने आया है, सो काइंड। पर कुछ कुत्ते कुंवर और आमिर के पीछे भी पड़ जाते हैं और उन्हें काट भी लेते हैं, पर वो दोनों भाग निकलते हैं, आकिफ ने उन्हें नहीं देखा। डोगन इधर आसमा से यिल्दिज़ की दोस्त का पूछते हैं। आसमा सब झूठ झूठ बता देती है। डोगन को हंसी आती है क्योंकि उसे तो सच्चाई पता है। सुबह यिल्दिज़ जुनैद को कॉल करके कहती है कि हालीचान के लिए हमें डॉक्टर से आज मिलने जाना होगा। वो मान जाता है। आलिया को देख के गुड मॉर्निंग जान कहता है। आलिया भी कहती है गुड मॉर्निंग हैंडसम। ये सब सुन के यिल्दिज़ को उल्टी आती है और जुनैद कहता है आलिया और मैं बिजी है, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो, बोल के फ़ोन कर देता है। यिल्दिज़ गालियाँ देती है। उसी वक्त कोमल रेडी होकर आती है वेट्रेस के काम के लिए इंटरव्यू देने। यिल्दिज़ कहती है मॉडलिंग करने नहीं वेट्रेस का काम करने जाना है, और क्यों जिद कर रही हो, जाओ अपने डैड के पास माफ़ी मांगो और सुलह कर लो। वो कहती है नहीं मैं काम करूँगी, उन्हें पता चलेगा तो वो अफसोस करेंगी और बदनामी भी होगी कि डोगन की बेटी वेट्रेस है, फिर उनको समझ आएगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया। यिल्दिज़ बार बार मनाती है पर वो वेट्रेस बन के ही रहेगी। यिल्दिज़ का प्लान उस पर भारी पड़ गया। आमिर की हालत कुत्तों के काटने की वजह से ख़राब है, कुंवर का भी, इसलिए आज दोनों रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं और आमिर आकिफ को रेस्टोरेंट जाके वेट्रेस की इंटरव्यू लेने कहते हैं। आकिफ को बिल्कुल नहीं करना पर आमिर बहुत इसरार करता है, आकिफ मान जाता है। समझ गए ना अब क्या होगा? जुनैद बैल्कनी से डोगन को बच्चों की तरह चिढ़ाता है, कहता है मैं जा रहा हूँ। डोगन कहते हैं कहाँ? जुनैद कहते हैं तुम्हारी बीवी ने बताया नहीं, हम फैमिली की तरह हालीचान के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डोगन उस पर हंसता है, कहते हैं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। यिल्दिज़ के आने पर उसे पूछते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर के कहने पर सच में वो लोग फैमिली की तरह जा रहे हैं। डोगन कहता है मैं छोड़ दूँ? यिल्दिज़ कहती है हालीचान को अपने डैड के कार से जाना पसंद है। डोगन का मुँह उतर जाता है। इधर आकिफ रेस्टोरेंट में कोमल को देखते ही इम्प्रेस हो जाता है, उसका इंटरव्यू लिए बिना ही कहता है कि तुम्हें हायर कर लिया गया है। वो हैरान होती है तो आकिफ कहता है मैं आकिफ,
वो कहती है मैं कोमल। दोनों हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को फ्लर्टेशियस नज़र से देखते हैं। मूड अच्छा होते ही सामने के हेयर्स वापस जगह पे आ गए। यिल्दिज, जुनैद और हालिचंद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहना है, जैसे कि लंच, डिनर करना या बाहर जाना। जुनैद कहते हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लंच या फिर कोई वैकेशन। यिल्दिज कहती है बस लंच, कोई वैकेशन नहीं। डॉक्टर कहती है वैकेशन अच्छा रहेगा। यिल्दिज मना करती है, सीरियसली वो लोग तलाक किसी रीज़न से लिए थे, वापस साथ ही होना है तो फ़ायदा क्या हुआ। तो कहे मुताबिक ये लोग पार्क जाते हैं, झूला झुलाते हैं, लंच करते हैं। जुनैद इन दोनों की तरफ देखता रहता है, शायद मिस करते हैं। वो सादिक को मैसेज करके बताते हैं कि यिल्दिज मेरे साथ है, अपना नाटक चालू करो। सादिक जतिन के सामने चिल्लाते हुए जुनैद से कॉल पे होने का नाटक करके कहता है हाँ हालिचंद और यिल्दिज को मेरा सलाम कहना। जतिन सुन के डोगन को बताता है कि वो लोग साथ लंच कर रहे हैं। डोगन अपसेट हो जाता है। शाम को यिल्दिज वापस आती है तो आसमा कहती है कि डोगन अंदर अपसेट बैठा है। यिल्दिज अंदर जाकर पूछती है तो डोगन बताता है कि मुझे तुम्हारे और जुनैद के नज़दीकियों से तकलीफ है। यिल्दिज कहती है हम कहाँ उतना मिलते हैं, बस डॉक्टर की वजह से हमें आज मिलना पड़ा। डोगन कहता है जुनैद बच्चे का डैड नहीं है। यिल्दिज कहती है बचपन से उसने जुनैद को ही डैड की जगह देखा है, और हमारा तो अरेंज की शादी हुई है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको तकलीफ क्यों होती है। डोगन कहता है मुझे ये अरेंज मैरिज और नहीं चाहिए। यिल्दिज हैरान होकर कहती है ठीक है आपको ख़त्म करना है तो कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डोगन कहता है मुझे ये शादी असलियत में चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यिल्दिज। यिल्दिज हैरान होती है। एपिसोड ख़त्म। ओके देन बाय।